हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज मैं आगरा जा रही हूँ, अब मेरे साथ मेरे सफर में बने रहो और देखो कि कैसे मेरी आगरा की जर्नी रहती है। तो चलिए फिर चलते हैं। ऐसे तो मेरा प्लान था कि मैं आगरा में एक दिन रुकूंगी, उसके नेक्स्ट डे मैं जम्मू के लिए निकलूंगी। रात में ही थोड़ा प्लान चेंज हो गया, फिर रात को ही मैंने जम्मू के लिए तत्काल टिकट की जो कि टुंडला स्टेशन से है। तो यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज थी होटल की जो कि मैं पूरी कर रही हूँ, तो इसके बाद मैं निकल पड़ी। तो मैंने ऑटो वाले भैया से कहा मुझे आगरा जाना है तो आप मुझे बस स्टैंड छोड़, पर उससे पहले आप मुझे ब्रिजवासी ले चलो। ब्रिजवासी की जो शॉप है वो 8 बजे खुल जाती है, तो अभी 9:30 के आसपास हो रहे थे तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। लेकिन हमारे साथ हुआ यूँ, आगरा की बस रास्ते में ही मिल गई और उन्होंने कहा मैडम ये बस खाली है, अगर बस स्टेशन जाओगे तो खाली बस नहीं मिलेगी, मौका है जाओ। तो मैंने कहा भैया पेड़े, मुझे कहा मैम पेड़े नेक्स्ट टाइम ले लेना, अगर ये बस छूट गई ना फिर खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो अपने इतने सारे सामान के साथ मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती थी और मैं चुपचाप बस में चढ़ गई। जो फेयर है वो 75 रुपी है पर पर्सन। हमारी बस ने ना हमें यहाँ उतारा, यहाँ पे और ये यहाँ से ताजमहल का रास्ता है, पूरे 1 किलोमीटर है। यहाँ से ऑटो वगैरह मिलेगा हमारे पास। इन्होंने हमें कहा, मैंने इनको कहा कि मुझे पेठा लेना है, उन्होंने कहा कि आप पंछी का पेठा ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको लग रूम के वहाँ उतार दूँगा, उसके बाद आप अपना सामान जमा करके फिर घूम के फिर टुंडला 300 रुपीज़ लगेंगे ऑटो में, तो टुंडला छोड़ दूँगा। तो चलो देखते हैं। अच्छा, बता रहे हैं कि आगरा का जो फेमस है दाल मोट है, नमकीन है कोई वो, और पेठा। अनफॉर्चुनेट मुझे यहाँ से पेड़ा नहीं मिलेगा, इन्होंने कहा कि पेड़ा जो है वो वृंदावन और मथुरा का ही फेमस है। अगर हमें ऑटो वाले ने बीच में नहीं बस में चढ़ाया होता तो मैं पेड़ा ले लेती। तो चलो नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पंछी पेठा, उसके बाद हम ताजमहल जाएँगे, हम ऑटो लेकर रूम जाके ले निकल जाएंगे। तो वो मुझे यहाँ ले आए जो कि आगरा कैंट रोड पे है, पेठा एंड दाल मोट स्टोर, जबकि उन्होंने कहा था पंछी पेठा। तो पंछी पेठा वालों की शॉप तो है नहीं है, लेकिन हाँ पेठे का टेस्ट अच्छा था तो मैंने ना हर वैरायटी का पेठा ले लिया और उसके बाद फिर मैं निकल पड़ा। तो अब हम सीधे ताजमहल जा रहे हैं, ये फोर्ट है जिसमें जाने के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए अब मैं ताजमहल ही जाऊँगी। मुझे नहीं पता कि हम आगे कहाँ क्या हो रहा है। टिकट्स हमें बाहर से ही दिलवा दिया अंकल ने, बोल रहे हैं कि वैलिड है वहाँ पे। हमने अपना आईडी प्रूफ दिया है, उसके बाद टिकट्स मिली हैं हमें, तो मैंने टिकट्स ले ली हैं। अब मुझे लगेज की टेंशन हो रही है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे नहीं पता, ये बोल रहे हैं कि मैं लगेज रखवा दूँगा फिर भी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बने रहो मेरे साथ, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। इतना इजी लगता है ना कि हम ताजमहल फटाक से पहुंच जाएंगे, उतना इजी है नहीं। कुछ बता रही हूँ, बीच में मुझे ऐसा लगा था कि लगता नहीं है मैं ताजमहल घूम पाऊंगी, क्योंकि जो रास्ता मतलब हार्डली 10 से 15 मिनट का था वो कब घंटे में बदल गया ना पता ही नहीं चला। ये मैं ताजमहल में एंटर कर रही हूँ, क्या हुआ क्या नहीं वो स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगी, फिलहाल आप इंजॉय करिए ताज की पुरानी तस्वीरें। यहाँ पे बताया कि ताजमहल हर एयर कितना अलग होता गया। अरे गाइड भैया, मैंने गाइड किया ये। तो जहाँ से हमने एंट्री किया ये ताजमहल का ईस्ट गेट है, ये दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं ये रूम्स जैसे। कहते हैं कि यहाँ पे ना मीना बाजार लगता था दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ पे मीना बाजार लगता था उस टाइम पे। जितना भी वीआईपी आता है आज की डेट में ईस्ट गेट से आता है। सामने देखिए वेस्टर्न गेट, 90% वेस्टर्न गेट से आता है। तो यहाँ भैया बता रहे थे कि इसको रॉयल गेट यानी कि शाही दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे की जो हाइट है वो है 105 फीट, और वो बता रहे थे जो डॉम्स है वो दोनों तरफ अगर काउंट करें तो 11-11 होते हैं, मतलब 22, और 22 ईयर्स हुए हैं ताजमहल को कंप्लीट हुए। तो ये जो रूम्स दिख रहे हैं आपको, ये टोटल 210 रूम्स हैं। जो लेबर थी जब वो काम करके थक जाते थे तो वो यहाँ आके रेस्ट करते थे। तो अब मैं शाही गेट के पास पहुँच गया, तो इसी गेट को क्रॉस करके मुझे दिखेगा सिंबल ऑफ लव ताजमहल, जो कि दुनिया का 7वां अजूबा है। ये जैसे पता ही नहीं था। तो सारी भीड़ को पीछे छोड़ते हुए मैं बढ़ रही हूँ सिंबल ऑफ लव ताजमहल की। अच्छा,
तो हाजिर आपके सामने सिंबल ऑफ लव। तो भैया बता रहे थे कि ताजमहल की एक खासियत और है कि ये चारों तरफ से एक जैसा है। जैसा आपको ये सामने से दिखेगा वैसा आपको बैक से, वैसा आपको साइड से। दूर से ताजमहल छोटा सा लगता है लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास जाते हैं वैसे इसका आकार बढ़ता जाता है। कहना क्या चाहते? तो चलिए फिर आसपास के एरिया का नुमाइंदा करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इस भीड़ के दर्शन भी कराती हूँ। थोड़ी देर तक आसपास का नुमाइंदा किया और आते जाते लोगों को ताड़ा, उसके बाद मैं निकल पड़ी आगे की ओर। तो देखिए जैसे जैसे हम ताजमहल की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ताजमहल का आकार कुछ ज़्यादा ही विशाल होते जा रहा है। ताजमहल दूर से नहीं पास से भी बहुत खूबसूरत लगता है। ताजमहल के राइट और लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको सिमिलर इमारत दिखेगी जो कि दिखने में सेम है, पर एक जो है वो गेस्ट हाउस था उस टाइम का जहाँ शाही लोग आके रुकते थे और जो दूसरी है वो मस्जिद है। तो हम अभी बढ़ रहे हैं मस्जिद की ओर। ताजमहल की एंट्री टिकट की बात कर लूँ तो ऐसे 50 रुपीज़ है। अगर आपको ताजमहल पास से देखना है यानी कि ऊपर जाके जैसे ये लोग कतार में लगे इस तरीके से अगर आपको कतार में लग रहा है तो उसके लिए आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मुझे ऐसे कतार में नहीं लगना था तो मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ पे किया। ये मस्जिद है, मॉस्क है, जो कि ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है ना, वो इसलिए रहता है क्योंकि फ्राइडे को यहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं। ये उनका वुजू टैंक है। तो ये मॉस्क है और दूसरी साइड सेम ही ऐसा ही बना है बट वो मॉस्क नहीं है। तो ये मॉस्क है। तो ये है रिवर यमुना। जो ताजमहल है वो इसी यमुना के किनारे बना है। तो यहाँ पे गाइड भैया मुझे ये बता रहे थे कि क्या रीज़न है जो ताजमहल है वो रिवर यमुना के किनारे बना है। ऐसे तो बहुत रीज़न है बट उन्होंने एक बताया कि जो ताजमहल है उसकी जो नींव है वो टिम्बर की बनी है और टिम्बर को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए और रिवर यमुना से उसको मॉइस्चर मिलता है। और ये भी बताया जो ये सामने आपको गार्डन दिख रहा है ना, यह ना शाहजहाँ दूसरा ताजमहल ब्लैक मार्बल से बनाना चाहते थे पर उसकी जो कॉस्ट थी वो उस टाइम 15 करोड़ के आसपास की थी और इस ताजमहल की जो कॉस्ट है वो तब 4 करोड़ थी उस टाइम जब गोल्ड कॉइन इंडिया में चलते थे। और उसके बाद की स्टोरी भी बता रही थी कि कैसे औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को बंदी बना लिया था। तो अगर ये स्टोरी आपको सुननी है तो आप भी ताजमहल विजिट करें और अपने गाइड से लंबी चौड़ी कहानियां सुनें। और उस तरफ सामने आगरा फोर्ट था जो कि फॉग की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था। ताजमहल व्हाइट मार्बल का बनाया गया है। इस मार्बल के अंदर ये खूबी रहता है ये कलर चेंज करता है। सुबह मॉर्निंग में देखते हैं सुबह 6 बजे से और 6:40 के बीच में जब सूरज निकलता है ताजमहल कुछ पिंक कलर का दिखता है। अभी येलो टाइप का दिख रहा है। शाम के टाइम में देखते हैं ना 5-5:30 बजे के बीच में जब सूरज ढलता है तो कुछ रेड टाइप का दिखता है और चांदनी रात में बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाता है और स्टोन छिल मिलाने लगते हैं पूर्णमासी की रात को, ठीक है। और जब बारिश होता है ना ब्लैक बादल हो जाता है, बारिश होता है या बिजली चमकता है कुछ सेकंड के लिए ब्लू शेप में ताजमहल दिखता है जब बिजली पड़ता है ताजमहल, ठीक है, तो ये कलर चेंज करता है। तो अब मैं ताजमहल को टाटा बाय बाय बोल के चल पड़ी हूँ बाहर की ओर क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी और भैया किसी मीना बाजार के बारे में बता रहे थे तो फिर चलिए वहाँ चलते हैं। मुझे लगता था मीना बाजार कोई पूरा एक बाजार है पर यहाँ के मुझे पता चला मीना बाजार एक शॉप है जहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी। और यहाँ भैया मुझे बता रहे थे कि ताजमहल कैसे रंग बदलता है लेकिन फिर उन्होंने बीच में बोल दिया कि मैम वीडियो नहीं बनाना तो मैंने वीडियो बंद कर दिया। उसके बाद मैं इस शॉप पे है जो कि टांगा स्टैंड में है। शॉप का नाम है आगरा फेमस पेठा स्टोर। जो ये शॉप है ये जो गाइड भैया है उनकी शॉप है। मैंने अपना सामान है ना यहीं पे रखा था क्योंकि लॉकर रूम में बहुत रश था तो यहाँ पे ना ऐसे शॉप पे सामान रखते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू सामान है ना वो चार्ज भी करते हैं। और सच बताओ ना तो ये भैया ना बहुत हेल्पफुल थे। इन्होंने टुंडला के लिए मुझे ऑटो भी करके दिया क्योंकि उस टाइम कोई ऑटो मुझे टुंडला के लिए नहीं मिल रहा था। टैक्सी वाले तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे तो उन भैया ने फिर मुझे ऑटो भी दिलाया और मैं निकल पड़ी अपने सफ़र के लिए। आगरा से टुंडला का सफ़र और उस सफ़र में मैंने क्या क्या सफ़र किया वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।